फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना फार्मेसी का सेकंड लेक्चर। तो हम लोग शुरू करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे स्केल्स। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स के लिए हमें स्केल्स यूज़ करने हैं। तो कौन कौन से स्केल्स यूज़ करने हैं? तीन तरीके के स्केल्स हम यूज़ करेंगे जो हमें अपनी फार्मेसी में पढ़ने हैं। तो पहला है डेसिमल स्केल, दूसरा है सेंटेसिमल स्केल, तीसरा है 50 मिलीसिमल स्केल। ये तीनों स्केल हम अपनी पूरी फार्मेसी में मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए पढ़ेंगे। तो मेडिसिन का प्रिपरेशन जो करते हैं हम लोग, मेडिसिन का प्रिपरेशन दो तरीके से करते हैं। एक जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, यानी कि सॉलिड ड्रग सब्सटेंस से बनाते हैं, और एक लिक्विड से। तो जो सॉलिड से बनाते हैं उसमें ट्राइचुरेशन करते हैं। तो ट्राइचुरेशन के लिए दो तरीके के स्केल यूज़ करते हैं हम लोग, पहला डेसिमल स्केल और दूसरा सेंटेसिमल स्केल। ठीक है, जो लिक्विड से हम लोग मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसमें उस मेथड को सक्कशन कहते हैं। उसमें हम लोग तीनों स्केल यूज़ करते हैं, डेसिमल, सेंटेसिमल और 50 मिलीसिमल। ठीक है, तो अब हम लोग इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग डेसिमल स्केल। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले डेसिमल स्केल। डेसिमल स्केल इंट्रोड्यूस किसने किया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पीजी में और आ भी सकता है इन फ्यूचर। तो कॉन्स्टेंट हेयरिंग, यानी कि हेयरिंग सर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, कैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब क्या यूज़ किया था इस स्केल का? तो इन्होंने स्नेक वेनम को पोटेंटाइज किया था डेसिमल स्केल के थ्रू, और एक यही स्केल है जो मॉडर्न मेथड में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस डेसिमल स्केल की डिटेल डिस्क्रिप्शन किसने दिया था, वेशमेयर ने दिया था इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन। बट ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है कि किसने इंट्रोड्यूस किया डेसिमल स्केल। तो कॉन्स्टेंट हेयरिंग, डॉक्टर कॉन्स्टेंट हेयरिंग ने डेसिमल स्केल इंट्रोड्यूस किया था। इसमें रेशियो क्या होता है, 1:9 का रेशियो होता है। 1 क्या होता है, ड्रग पार्ट, और 9 क्या होता है, व्हीकल होता है। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, एक्स से। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट जो डेसिमल पोटेंसी होगी उसे 1x से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड को 2x से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर, इस स्केल के अंदर हम पोटेंसी प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हम लिक्विड पोटेंसी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक फीएल लेंगे, कितनी एमएल कैपेसिटी होनी चाहिए, 15 एमएल कैपेसिटी की होनी चाहिए, जिसमें 1 एमएल क्या लेंगे, ड्रग पार्ट लेंगे, और 9 एमएल हम लोग व्हीकल लेंगे। व्हीकल के रूप में इसमें क्या लेंगे, रेक्टिफाइड स्पिरिट लेंगे। ठीक है, या डिस्पेंसिंग एल्कोहल, दो चीज़ें हम लोग ले सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, उसके बाद 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देंगे विद इक्वल स्ट्रेंथ। ठीक है, 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक विद इक्वल स्ट्रेंथ। तो ये जो हमें मिलेगी वो क्या होगी, 1x पोटेंसी होगी हमें जो मिलेगी। ठीक है, हम लोग देखेंगे सॉलिड पोटेंसी कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सॉलिड पोटेंसी ट्रेचुरेशन के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसमें 1 ग्राम ड्रग सब्सटेंस लेंगे और 3 ग्राम व्हीकल, मतलब कि टोटल 9 ग्राम लेंगे। तो 3-3 ग्राम के 3 स्टेप करेंगे हम लोग। ठीक है, और इसमें टोटल टाइम कितना होता है, 60 मिनट का टोटल टाइम होता है। तो इस 60 मिनट को कैसे डिवाइड करेंगे, 3 स्टेप में से भी डिवाइड करेंगे, 20 20 20। ठीक है, इस 20 को 10 मिनट में डिवाइड करेंगे। 10 मिनट की प्रोसेस में क्या क्या होगा, 6 मिनट की प्रोसेस होगी रबिंग, देन 3 मिनट की होगी स्क्रैपिंग, देन 1 मिनट की क्या होगी, मिक्सिंग। इस तरीके से हम पूरा ये कंप्लीट करेंगे 60 मिनट, और उसके बाद जो हमें पोटेंसी मिलेगी वो कौन सी होगी, 1x पोटेंसी होगी। ठीक है, स्केल का यूज़ किस लिए किया जाता है, हैनीमैन सर ने सबसे पहले इसे यूज़ किया था मेडिसिन बनाने के लिए। तो ये ओल्ड मेथड के थ्रू मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए डेसिमल स्केल का यूज़ किया था। डेसिमल स्केल इज़ द ओनली स्केल यूज्ड इन मॉडर्न मेथड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, पीजी में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कौन सा स्केल जो है मॉडर्न मेथड में यूज़ होता है। ठीक है, डेसिमल स्केल इज़ यूज्ड टू मेकिंग लोअर पोटेंसी अप टू 6x। मतलब इस स्केल का यूज़ किस लिए करते हैं हम लोग, लोअर पोटेंसी बनाने के लिए। याद रखिएगा, लोअर पोटेंसी किस स्केल से बनती है और हायर पोटेंसी किस स्केल से बनाई जाती है, ये क्वेश्चन कई बार पीजी में आया है। तो लोअर पोटेंसी डेसिमल स्केल्स के थ्रू बनाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट स्केल, सेंटेसिमल स्केल। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट, सारे स्केल्स में ये इम्पॉर्टेंट है कि किसने इंट्रोड्यूस कराया। तो सेंटेसिमल स्केल के इन्वेंटर या इंट्रोड्यूसर कौन थे, सैमुअल हैनीमैन, हमारे मास्टर जो थे वो, उन्होंने सेंटेसिमल स्केल दिया था। और कब दिया, किस बुक में दिया, तो 1833 में इन्होंने ये स्केल बताया, 5th edition में दिया गया ये स्केल ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के। किस में लिखा है इस स्केल के बारे में, सबसे पहले 5th edition में लिखा गया है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के। कब लिखा गया, 1833 में। ठीक है, कौन सी एफरिज्म में दिया है, ये 270 एफरिज्म में दिया है। अगर ये पूछा जाए तो कौन सी एफरिज्म में बताया गया इस स्केल के बारे में, तो 270 एफरिज्म में बताया गया है सेंटेसिमल स्केल के बारे में। किसने बताया, मास्टर हैनीमैन ने बताया। किस एडिशन में बताया, 5th edition में बताया। कौन से ईयर में, 1833 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे पीजी के लिए। तो ये इस स्केल को किससे डिनोट करते हैं, सी से। सी का मतलब, सेंटी का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो इससे किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं।
इस स्केल का रेशियो कितना होता है? 1:99। इस स्केल का रेशियो कितना होता है? 1:99। सी मतलब क्या होता है? 100। तो 200 को क्या लिखेंगे? 2C। ठीक है, सी मतलब क्या होगा? 100। तो 200 को क्या लिखेंगे? 2C। 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं एम से या 1M लिखेंगे इसे। 1000 पोटेंसी को क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे या 1M लिखेंगे, ये सेंटीसिमल के अंदर ही आएगा। ठीक है, 10000 को क्या लिखेंगे? 10M लिखेंगे। ठीक है, और अगर 1 लाख दे दिया तो CM, यानी कि ये 100 हो गया और ये 1000 तो CM। ठीक है, और ये 5 लाख दे दिया तो DM। ऐसे याद रखिएगा, जो DM होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और CM जो होते हैं वो कम होते हैं। CM मतलब चीफ मिनिस्टर। ठीक है, जो DM होते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं बट जो CM होते हैं वो कम होते हैं। तो CM कितने हो गए? 1 लाख हो गए और जो DM हो गए वो 5 लाख हो गए। इस तरीके से याद रखिएगा, D मतलब 500 और M मतलब 1000, C मतलब 100 और M मतलब 1000। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, आपसे पूछा जाएगा कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है। तो ठीक है, ये याद रखिएगा अच्छे से। प्रिपरेशन ऑफ पोटेंसीज अंडर दिस स्केल, मतलब कि अब हम देखेंगे सेंटीसिमल के अंदर हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो लिक्विड पोटेंसी हमेशा सक्कशन के थ्रू बनाई जाती है और सॉलिड हमेशा ट्रैचुरेशन के थ्रू बनाई जाती है। लिक्विड के लिए हम लोग क्या लेंगे? 1 ml ड्रग सब्सटेंस लेंगे और 99 ml, वहाँ पर क्या था डेसिमल में? 9, और यहाँ पर क्या है? 99, याद रखिएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या है? 9 और यहाँ पर क्या है? 99। उसके बाद क्या करेंगे? इनको एक फेल में लेंगे और फिर 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक देंगे। इक्वल स्ट्रेंथ के होने चाहिए स्ट्रोक। उसके बाद जो हमें मिलेगी पोटेंसी वो क्या होगी? फर्स्ट पोटेंसी हो जाएगी हमारी। ठीक है, सॉलिड पोटेंसी कैसे बनाते हैं? ट्रैचुरेशन के थ्रू बनाते हैं। ट्रैचुरेशन की प्रोसेस सेम वही, 99 ग्राम लेंगे हम लोग क्या व्हीकल और 1 ग्राम लेंगे ड्रग सब्सटेंस। 99 को हम लोग कैसे डिवाइड कर देंगे? 3 3 3 3 3 3, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टाइम हमेशा फिक्स होता है ट्रैचुरेशन का, 60 मिनट, उसे भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 20 20 20, इस 20 को भी हम लोग डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, यानी कि 10 10 के 2 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। इस 10 में क्या क्या होगा? रबिंग होगी 6 मिनट की, स्क्रैपिंग होगी 3 मिनट की और मिक्सिंग होगी 1 मिनट की। इसके बाद जो हमें इस पूरी प्रोसेस के बाद, यानी कि 60 मिनट के बाद जो हमें ऑप्टेन होगी वो क्या होगी? फर्स्ट पोटेंसी ऑप्टेन होगी हमें ट्रैचुरेशन की। ठीक है, सेंटीसिमल स्केल का यूज़ क्यों करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटीसिमल स्केल का यूज़ करते हैं हायर पोटेंसी बनाने के लिए। याद रखिएगा, सेंटीसिमल स्केल का यूज़ क्यों करते हैं? हायर पोटेंसी। डेसिमल स्केल का यूज़ क्यों करते हैं? लोअर पोटेंसी बनाने के लिए। डेसिमल स्केल किसने दिया था? कॉन्स्टेंट हेरिंग ने दिया था। और सेंटीसिमल स्केल किसने दिया था? हैनिमन सर ने दिया था। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट स्केल है वो कौन सा है? 50 मिलीसिमल स्केल है। इससे कहते हैं LM स्केल। L का मतलब होता है 50 और M को मिलीसिमल को M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो LM स्केल मतलब 50 मिलीसिमल स्केल। ठीक है, इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था? पियरे स्मिथ ने इंट्रोड्यूस किया था इसे। और ये कहाँ के थे? जेनेवा के। ठीक है, याद रखिएगा, पियर स्मिथ ने इंट्रोड्यूस करवाया था कौन सा स्केल? 50 मिलीसिमल। और ये कहाँ के थे? जेनेवा के। ठीक है, और ये किस एडिशन में दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, 6 एडिशन में दिया गया है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 6 एडिशन में दिया गया है क्या? 50 मिलीसिमल। सेंटीसिमल स्केल कौन से एडिशन में दिया गया है? सेंटीसिमल स्केल दिया गया 5th एडिशन में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के। कौन सी एफरिज्म में? 270 एफरिज्म में। इसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 1:50,000 इसका रेशियो होता है। 50 को L से और 1000 को M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे LM स्केल भी कहते हैं। ठीक है, हैनिमन सर ने एक टर्म दिया था, रिन्यूड डायनमाइजेशन। ठीक है, और इस स्केल को न्यू मेथड में यूज़ किया जाता है। रिन्यूड डायनमाइजेशन टर्म किसने दिया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्पेशली PG में पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो हैनिमन सर ने ये टर्म दिया था। ठीक है, रिन्यूड डायनमाइजेशन। इसका डिनोटेशन कैसा होता है? इसे कैसे डिनोट करते हैं? इंडिया में इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेस्टर्न कल्चर यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1/0, जस्ट अपोजिट हो जाता है इसका। अभी हम कैसे पढ़ रहे थे? 0/1, और अब इसे हम कैसे देख रहे हैं? 1/0। तो ये इंडिया में है और ये वेस्टर्न में है। ठीक है, जनरली हैनिमन सर ने कैसे इसे लिखा था? 0/1, 0/2, 0/3, इस तरीके से इन्होंने इसे रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉपी साइज ग्लोब्यूल को रिप्रेजेंट करता है 0 यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पॉपी साइज ग्लोब्यूल को रिप्रेजेंट करता है 0 यहाँ पर। ठीक है,
तो ये हमने तीनों स्केल डिटेल में कवर कर लिए। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।